हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 11 के लिए। आज का हमारा चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें से आपको एक से दो प्रश्न मिलते हैं, इसीलिए आज का ये टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं और आपको एक अच्छे प्रश्न यहाँ पे कराता हूँ, जिसमें आपको एनसीईआरटी के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है उसका नाम है NH 44, यानी ऑप्शन ए यहां से सही हो जाएगा। आप आंसर नहीं, सब कुछ पढ़िएगा, तभी आप बहुत अच्छे प्रश्न कर पाएंगे। अगला प्रश्न एनसीईआरटी से है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़े हैं? यानी पूर्व पश्चिम, ये आपका सिल्वर बंदर पोरबंदर है। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया वो बच्चों बी ऑप्शन है। मैं पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, जिससे आपका टाइम ज़्यादा जाया ना हो। अगला है, भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? तो जिसमें सबसे अधिक माल सबसे अधिक स्थल पर चलने के लिए, तो रेल परिवहन जो है सबसे जो है बड़ी प्रणाली है परिवहन की, क्योंकि यहाँ पर परिवहन में माल ढुलाई से लेकर के यात्रियों की भी ढुलाई होती, समझिए ढुलाई मतलब यात्रा करते हैं। पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? तो पाइपलाइन जो है थे जो खनिज तेल होता है, जो हमारे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन, इन सब की जो है ढुलाई होती है, एक पाइपलाइन डाल दी जाती है, जिससे ये काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट होता है, लेकिन फिर इसकी जो ढुलाई पर खर्चा होता है वो सब बच जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज तेल, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन यानी बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है, पूरब में है, ये आपको बताना है सिर्फ। तो पूरब में आपका है कांदला बंदरगाह, जो कि ऑप्शन ए में आप देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से संचार का माध्यम कौन सा है? नहीं, संचार का माध्यम संचार का मतलब जिसमें आप समाचार पत्र वगैरह की बात कर रहा है, वायु सेवा, रेल सेवा, दूरदर्शन, जल सेवा, यहाँ पर हो जाएगा दूरदर्शन बच्चों, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आप लोग कर लेंगे, शायद आपको आ भी रहा होगा। अगला, भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु क्या है? खनिज तेल करते हैं, दवाएं करते हैं, चाय करते हैं, कपास करते हैं। तो हमारे यहाँ चाय जो है इसकी निर्यात किया जाता है, यानी विदेशों में भेजा जाता है। विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? जो विदेशी व्यापार होता है वो देशों के मध्य होता है, दो देशों के मध्य, प्रदेश नहीं, गांव नहीं, आपके नगर नहीं, बल्कि दो देशों के बीच ये व्यापार किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जो है रेलगाड़ी कब चली? तो ये तो सभी को मालूम है, 1893 में चली थी और ये मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। तो यहाँ से अगर ऑप्शन आप देख रहे होंगे तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उत्तरी भारत का सबसे बेस्ट रेलवे जंक्शन है? चूंकि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो यहाँ का जंक्शन और एयरपोर्ट दोनों ही सबसे बेस्ट रहते हैं। निम्न में कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतः स्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पत्तन तथा पूर्ण सुरक्षित है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है आपका विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है? तो हमारे देश की जो प्राथमिक है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी ऑप्शन ए वाला यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 13 है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी जो रेलवे का मुख्यालय है वो है बच्चों मुंबई। राष्ट्रीय जल मार्ग एक निम्न में किन दो स्थानों के बीच नौका गम्य, यानी वहां से नौका, तो ये अलाहाबाद से हल्दिया तक का है, अलाहाबाद से हल्दिया ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी का डाक समझा जाता है? तो कार्ड और जो लिफाफे हैं
इन्हें जो है प्राथमिक श्रेणी के डाक समझा जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया जा सका है? तो ये है उत्तरी पूर्वी राज्य। ठीक है, उत्तरी पूर्वी राज्य ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ता है, यानी दिल्ली से जो अमृतसर जाता है वो कौन सा राजमार्ग है? तो ये राजमार्ग संख्या एक है। तो आपको ये एक याद रखना है, दिल्ली और अमृतसर राजमार्ग संख्या एक, सबसे बड़ा या फिर पहला राजमार्ग आपको याद ही रखना पड़ेगा। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है? वो है डाक संचार, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन सबसे सस्ता साधन है? लेकिन आप लोग समझते नहीं होंगे, लेकिन इसको आप समझ लीजिए आज, ये जलमार्ग है। ये बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं और उनसे जो है सामानों को लाया जाता है और काफी दूरी तय की जाती है और वो काफी सस्ता भी पड़ता है। अगला आपका सवाल है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो ये है पाइपलाइन। पाइपलाइन में मैंने अभी पहले भी बताया था, एक बार आप प्रयोग कर लेते हैं और उसके बाद ये आजीवन चलता रहता है। क्षति भी बचती है, कभी टैंकर का रिसाव तो काफी पर्यावरण को भी नुकसान होता है, कई चीजें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले दो प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी के हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में कौन सा परिवहन साधन है? पाइपलाइन नहीं है, रेलवे परिवहन है, सड़क परिवहन है और वायु परिवहन भी है। ये क्वेश्चन कुछ गलत छप गया है, यहाँ पर होना चाहिए था निम्न में कौन सा परिवहन साधन नहीं है। तो परिवहन साधन यहाँ पर पाइपलाइन हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस कुछ गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पर परिवहन साधन नहीं है कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको पेपर में जो भी चीजें हैं आप उसको क्लियर समझ लेंगे। निम्न में कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, बाहरी व्यापार है और स्थानीय व्यापार है। तो यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जब दो या दो से अधिक देश व्यापार करते हैं तो उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, यानी जिसमें कई देश मिलकर के जो ये व्यापार को करते हैं तो उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप लोगों के लिए कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और मैंने लगभग क्लास 11th के लिए सारी टॉपिक्स को खत्म करने वाला हूं और इसके बाद भी गणित के कुछ टॉपिक बचे उन्हें लूंगा, और उसके बाद जो बच्चे 9th के हैं वो भी जुड़ेंगे और सारी चीजें इसको देख पाएंगे। बहुत से बच्चे रोज कमेंट करते हैं कॉल लेटर कब आएगा, तो कॉल लेटर आप 22 के बाद कभी भी देख सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।